स्टैंडर्ड 8 चैप्टर 11 नेम ओके टॉपिक नंबर 11.3 एक्सप्लोरिंग फोर्स ओके। तो कल हमने प्रीवियस हमने क्या पढ़ा था फोर्स, तो एक्सप्लोरिंग फोर्स अभी एक्टिविटी 11.2 हमने कल देखी थी उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ टफ ऑफ वॉर? इन दिस गेम टू टीम्स पुल एट अ रोप इन ऑपोजिट डिरेक्शन, मेंबर ऑफ बोथ द टीम ट्राई टू पुल रोप इन दैट डायरेक्शन, समटाइम द रोप सिंपली डज नॉट मूव, इट इज नॉट सिमिलर टू सिचुएशन शोन इन फिगर 11.3.B। ये वाली भी पोजिशन नहीं है, इसमें तो एक ही डिरेक्शन में फोर्स लग रहा था। द टीम दैट पुल्स हार्डर देन इट अप्लाइज टू लार्जर फोर्स फाइनली विंस द गेम। अभी देखो ये बात किसकी हो रही है, एग्जाम्पल नंबर फिगर नंबर 11.5 की बात हो रही है। एक रोप दिखाई हुआ है, द रोप मे नॉट मूव इफ द टू टीम्स पुल एट इट विथ इक्वल फोर्स। यहाँ पे एक रोप दिखाई हुई है, दोनों डायरेक्शन में अपोजिट डिरेक्शन में एक रोप दिखाई हुई है। यहाँ पे तीन बच्चे हैं, यहाँ पे तीन बच्चे हैं ओके। अभी ये तो आप लोग भी खेले होंगे, देखो इसमें क्या होता है, लाइक ये तीन बच्चे फोर्स लगाते हैं, उतना ही फोर्स अगर ये तीन बच्चे भी लगाते हैं ना, तो ये जो बीच वाला जो आपको दिख रहा है वो किसी भी डिरेक्शन में मूव नहीं करेगा। मीन्स जो बीच में हमने लाइन खींची हुई है वो ये रोप इस डायरेक्शन में भी नहीं जाएगा और इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही इन दोनों डायरेक्शन में से किसी एक डायरेक्शन, या तो इस डायरेक्शन या तो इस डायरेक्शन, दोनों में से किसी एक डायरेक्शन में फोर्स बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, जो मिडल पार्ट है ना, जिस डायरेक्शन में फोर्स बढ़ जाता है उस डिरेक्शन में ये मिडल पार्ट मूव होता है। लाइक हम मान लेते हैं कि तीन लड़के हैं, वो तीन लड़कों की डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा है, तो जो बीच वाला जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, वो इस डिरेक्शन में जाएगा, मीन्स राइट साइड पे। ऐसे हम मान लेते हैं कि ये तीन बच्चे हैं, वो तीन बच्चे ज्यादा फोर्स लगाते हैं, तो जो मिडल वाला पार्ट है ना वो इन तीन बच्चों के फेवर में, मीन्स ये जो मिडल वाला पार्ट है वो इन तीन डायरेक्शन में, मीन्स इन तीन बच्चों के डायरेक्शन में जाएगा। मीन्स जिस डिरेक्शन में फोर्स ज्यादा लगाओगे आप, उसी डिरेक्शन में रोप जाएगा। मीन्स सिंपल मोशन जहां पे ज्यादा, जिस डिरेक्शन में मोशन ज्यादा, कोई भी ऑब्जेक्ट उस डिरेक्शन में मूव करेगा। फोर्सेस अप्लाई ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू वन अनदर। फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू वन अनदर। नाउ रिकॉल व्हाट हैपेंड व्हेन यू एंड योर फ्रेंड पुश्ड अ हैवी बॉक्स। व्हेन एक्टिविटी कल देखी थी उसमें, अगर एक बॉक्स है, उस बैग बॉक्स है लाइक 5 kg का कोई बॉक्स है, उसको मैं पहले 5 kg के बॉक्स को प्रेस करता हूँ, पुश करता हूँ, और मेरा एक फ्रेंड आने के बाद वो भी उस 5 kg के बॉक्स को पुश करता है, तो दोनों 5 kg मीन्स मास तो दोनों का सेम है, लेकिन दोनों में से एक में बॉक्स थोड़ा ज्यादा आगे जाएगा, थोड़ा एक में कम आगे जाएगा। उसका मीनिंग ही क्या कि मैंने अगर 10 N फोर्स लगाया है, और मेरे फ्रेंड ने 8 N लगाया है, तो मैंने ज्यादा लगाया तो बॉक्स ज्यादा आगे जाएगा। वही बोला है, इफ द टू फोर्सेस एक्ट इन द ऑपोजिट डिरेक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट द नेट फोर्स एक्टिविटी ऑन द डिफरेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। मीन्स अगर दोनों, देखो मैं बात कर रहा हूं, अभी पहले बात की वो एक ही डायरेक्शन, लेकिन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर मैं 10 N नॉर्थ की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं और मेरा फ्रेंड है वो 8 N साउथ की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो 10 - 8 मीन्स 2 डायरेक्शन वाला फोर्स जाएगा। किस डायरेक्शन में, मैंने नॉर्थ में लगाया था ना, तो नॉर्थ में जाएगा। मीन्स दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा, क्या दोनों का डिफरेंस। रिकॉल दैट द टफ ऑफ वॉर व्हेन टू टीम्स पुल इक्वली हार्ड द रोप डज नॉट मूव। बताया ना कि अगर दोनों ने सेम डिरेक्शन सेम फोर्स से खींच रहे तो किसी भी डिरेक्शन में नहीं जाएगा। सो वी लर्न दैट फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन अनदर और इक्वल टू इच अदर, द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज यूजुअली एक्सपेक्टेड टू इट्स मैग्नीट्यूड। वी हैव ऑल्सो टू स्पेसिफाई द डिरेक्शन इन द विच फोर्स एक्ट, इफ द डिरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाई फोर्स चेंज देन ऑल्सो चेंज। अभी देखो मैंने साउथ में फोर्स, मैंने नॉर्थ में लगाया था, वो साउथ में लगा रहा है, मेरा नॉर्थ का अगर 10 ही रहता है और वो साउथ वाला 12 लगाएगा, तो टू ही फोर्स,
मीन्स 12-2, लेकिन वो अब जो फोर्स लगेगा वो साउथ की डायरेक्शन, मीन्स फोर्स में मैग्नीट्यूड भी देखना पड़ता है और डायरेक्शन भी देखना पड़ता है, दोनों में से कुछ कोई एक चेंज होगा तो भी फोर्स की डायरेक्शन क्या या तो फोर्स चेंज हो जाएगा।